सलमान खान की रेस 3 मूवी को आज रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं, पर इस मूवी ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही 100 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम कर लिया था। इस मूवी ने इतने धमाकेदार ओपनिंग करी थी कि 3 दिन के अंदर ही 106 करोड़ रुपए इसने अपने नाम कर लिए थे। और इसी के साथ इस मूवी ने इस साल की सबसे जल्दी 100 करोड़ क्लब के अंदर आने वाली मूवी बन चुकी है। इस मूवी के अंदर धमाकेदार एक्शन सलमान खान ने दिखाए हैं। इसके साथ अगर आप बात करें आज तक 13 दिन तक के कलेक्शन की इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी ने सिर्फ 13 दिन के अंदर ही पूरे वर्ल्ड में 329 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए। तो आज हम आपको बताएंगे पहले दिन से 13 दिन तक के कलेक्शन के बारे में रेस 3 के। तो पहले दिन का कलेक्शन था 29.17 करोड़ रुपए, दूसरे दिन का कलेक्शन था 38.14 करोड़ रुपए, तीसरे दिन का कलेक्शन था 39.16 करोड़ रुपए, चौथे दिन का कलेक्शन था 14.24 करोड़ रुपए, पांचवें दिन का कलेक्शन था 9.50 करोड़ रुपए, छठे दिन का कलेक्शन है 8 करोड़ रुपए, सातवें दिन का 7 करोड़ रुपए, आठवें दिन का 6 करोड़ रुपए, नौवें दिन का 6.54 करोड़ रुपए और दसवें दिन का 7 करोड़ रुपए, ग्यारहवें दिन का 2.45 करोड़ रुपए, बारहवें दिन का 2.50 करोड़ रुपए और तेरहवें दिन का हो सकता है 2 से 3 करोड़ रुपए। यानी कि इस मूवी ने सिर्फ इंडिया के अंदर 181 करोड़ अपने नाम कर लिए सिर्फ 13 दिन के अंदर ही। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें इसके 13 दिन की, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में अपने नाम किए 329 करोड़ रुपए और इसके अंदर सैटेलाइट राइट्स भी जोड़ दिए जाए तो ये मूवी 459 करोड़ रुपए सिर्फ 13 दिन में कमाने वाली सबसे पहली मूवी। तो ये थी सलमान खान की रेस 3 मूवी के 13 दिन के कलेक्शन के बारे में। यहाँ तक कि इस मूवी के रिलीज भारत के अंदर 15 तारीख को की गई थी और वहीं कतर और पूरे यूएई में इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 14 तारीख को, और पाकिस्तान में इस मूवी को रिलीज़ किया गया 22 तारीख को। इस लिहाजे से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिल रहे थे, पर उसके बावजूद ये मूवी सलमान खान की थी तो वो सुपर हिट तो होनी थी। इस वजह से इस मूवी ने सिर्फ 13 दिन के अंदर इतने करोड़ों का आंकड़ा अपने नाम कर लिया। तो आपको ये खबर कैसी लगी, आपको सलमान खान का ये स्टारडम कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन।